नमस्कार दोस्तों, अभी अभी 2 मिनट पहले की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। यूपी के रामपुर संसदीय क्षेत्र की स्वार विधानसभा सीट के लिए हुए उपचुनाव में आजम खान और उनके परिवार को तगड़ा झटका लगा है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता रद्द होने के बाद हुए उपचुनाव में बीजेपी गठबंधन की तरफ से अपना दल एस प्रत्याशी शफीक अहमद ने समाजवादी पार्टी की अनुराधा चौधरी को करारी हार दी है। अब तक की सबसे बड़ी खबर, शफीक अहमद ने 8,884 वोटों से जीत हासिल की है। रामपुर सदर सीट से बीजेपी विधायक आकाश सक्सेना ने गठबंधन प्रत्याशी की जीत के बाद कहा कि आजम खान के आतंक से रामपुर मुक्त हुआ। उन्होंने कहा कि एक के बाद एक हार आजम खान के मुंह पर तमाचा है। आकाश सक्सेना ने कहा कि जिस आजम खान को वोट देने का अधिकार नहीं है, उन्हें देश छोड़कर पाकिस्तान चला जाना चाहिए। अब तक की बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में निरंतर हार झेल रही समाजवादी पार्टी को मेयर चुनाव में बहुत ही बड़ा झटका लगा है। मेयर की सीटों पर सपा का खाता भी नहीं खुल पाया है। स्थिति यह बन गई है कि कई नगर निगमों में सपा तीसरे और चौथे स्थान पर खिसक गई है। सपा को भाजपा के साथ ही कांग्रेस और बसपा से भी टक्कर झेलनी पड़ रही है। अभी तो 17 में से पूरी 17 सीटें भाजपा के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। इस समय इतिहास रचने वाली है बीजेपी। उत्तर प्रदेश के अंदर हाहाकार मच गया है। 17 में से 17 सीटें भाजपा के खाते में जाती नजर आ रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी का डंका बज गया है। बसपा कांग्रेस सपा में मचा हड़कंप। सीधी खबर इस वक्त आ रही है उत्तर प्रदेश, जहां बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। अब तक की सबसे बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आप सभी अलर्ट रहें, सुरक्षित रहें, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।